हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, जो आगे वाला चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, अब अपन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है हमें, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। एक फ्लोर है जिसका रेक्टेंगुलर सेप का अपने पास जो होल है उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 250 मीटर, ठीक है ना। तो फिर देखें, पेरीमीटर इक्वल टू 250 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 × L + B इक्वल टू 250 मीटर। फिर आगे दे रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10/m² is 15,000 rupees। मतलब कि 1 m² की कॉस्ट ₹10 है और टोटल खर्चा कितना आया है वो 15,000 rupees ही है। अपन को गिवन है, अपन को अगर एरिया फाइंड करना हो 4 walls का तो क्या कर सकते हैं अपन, टोटल कॉस्ट में 1 m² की कॉस्ट का अगर डिवाइड कर दे तो हमें एरिया फाइंड हो जाएगा 4 walls का, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ 4 walls जो होगा टोटल कॉस्ट अपॉन 1 m² कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है 15,000 rupees अपॉन 1 m² कॉस्ट है 10 rupees, ठीक है ना। हाँ, एरिया ऑफ 4 walls का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B और h, 2 L + B की वैल्यू तो वैसे ही पता है, इस पूरे की जगह अपन क्या देख देंगे, 250 × h इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 1500 हमारे पास आ गए। h की वैल्यू फाइंड करनी है, 1500 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल, कट करेंगे h की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 6 times कट हो जाएगा तो 6 m, ठीक है। देखेंगे उसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द होल, हमें हाइट ही फाइंड करनी थी, हाइट हमारी आ चुकी है। इसके बाद होता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 m². एक अपने पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर पेंट है, वो उस पेंट को अपन यूज करके 9.375 m² एरिया पे कलर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डाइमेंशंस 22.5 cm, 10 cm एंड 7.5 cm कैन बी पेंटेड आउट दिस कंटेनर। तो इस कंटेनर से अपन ये जो अपन को नेम प्लेट हाइट दे रखी है इसकी कितनी जो ब्रिक्स हैं उनको पेंट कर सकते हैं ये पता करना है। तो मतलब एक ब्रिक का अगर एरिया पता हो और टोटल जो दीवार का एरिया है उसमें अगर अपन डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया में, अगर 1 brick के एरिया का, तो फिर क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इनके एरिया पता करना होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375। तो देखें पहले एरिया फॉर, एरिया फॉर पेंट, पेंट के लिए अपने पास एरिया कितना है सफिशिएंट, यहां पे सफिशिएंट भी लिखना होगा, सफिशिएंट एरिया फॉर पेंट कितना है वो 9.375 m², बट आगे वाली जो यूनिट है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रही थी, सेंटीमीटर में दे रही थी, तो उसको भी मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9.375 × 100, 1 m में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास, 100 cm होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 937.5 cm², ठीक है। इसके बाद बात हो रही है अपने पास कि लेंथ ब्रिथ हाइट दे रखी है ब्रिक्स की, तो डाइमेंशंस ऑफ ब्रिक्स मतलब कि भुजाएं, डाइमेंशंस ऑफ ब्रिक्स तो एज कितनी है इसकी 22.5 cm, बी कितनी है हमारे पास ब्रिक की 10 cm और एच जो है हमारे पास 7.5 cm, ठीक है। एल बी एच हमारे पास तीनों है,
अब हम फाइंड करना चाह रहे थे एक ब्रिक का सरफेस एरिया कितना हो रहा है, तो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है ना। तो एक इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है। 2 की वैल्यू 2, lb कितना है हमारे पास 22.5 × 10, प्लस bh 10 × 70.5 × hl, h 7.5 है और l है हमारे पास 22.5, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन करके इसको मल्टीप्लाई करके हमें इसका एरिया फाइंड करना है, फिर फाइंड करनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहां से तो इसका जो एरिया आएगा हम यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके एरिया की बात, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें फाइंड करनी है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी पेंटेड हो जाएगी, पेंट की जा सकती है, तो जो टोटल यहाँ पे एरिया हमें दे रखा है इस एरिया में डिवाइड किया जाएगा एक वन ब्रिक का एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो वन ब्रिक लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखें सफिशियंट एरिया फॉर पेंट अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है ना। आया आप लोगों को समझ में, मतलब जो सफिशियंट एरिया अपन ने यहां दे रखा है वो वैल्यू ऊपर पुट की जाएगी और जो हमारा वन ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया होगा वो नीचे पुट की जाएगा और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर्स इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग करें कुल। इसके बाद अपने पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A cubical box has each edge, cubical box एक क्यूब के शेप का बॉक्स है जिसकी भुजा दे रखी है, मतलब एज लाइन दे रखी है हमें 10 cm, and another cuboidal box, दूसरा जो बॉक्स है वो cuboidal शेप का है, लेंथ ब्रीथ और हाइट दे रखी है उसकी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले साइड ऑफ क्यूब जो है हमारे पास 10 cm है, लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड होगा जो दे रखी है हमें 12.5 cm, ब्रीथ ऑफ ए क्यूब क्यूबॉइड जो है 10 cm और हाइट ऑफ क्यूबॉइड जो है हमारे पास 8 cm, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो दो शेप है, एक तो है क्यूब और दूसरा है क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फर्स्ट में LSA लिख सकते हैं इसको अपन, LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला 4a² और 4 की जगह पे 4, a की जगह 10, 10 का स्क्वायर मतलब सॉल्व करने पे 400 cm² आ रहा है। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2l plus b into h, 2 l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12.5 plus b है हमारे पास 10 और हाइट हमारे पास 8, हाँ दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास हो रहे हैं 2 into 22.5 into 8, तो मल्टीप्लाई करना होगा इसको, करा देते हैं एक बार देखिए। इसको 3 6 0
सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूबॉइड का एरिया आ रहा है, तो ग्रेटर एरिया किसका हुआ, क्यूब का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर एंड कितना ज्यादा है, 400 और 360 में माइनस कर देते हैं, तो 400 माइनस 360 इक्वल टू 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर। फिर आ रहा है अपने पास सेकंड, बाय विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, किसका टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है, तो वापस से वही निकालना अपन को टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² 6 × 10 का स्क्वायर, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है 2lb प्लस bh प्लस hl, ठीक है ना, 2 की जगह पे 2lb, l कितना है हमारे पास, 12.5 × 10 प्लस bh 10 × 8 प्लस hl 8 × 12.5, ठीक है ना, 2 की जगह पे 2, इनको मल्टीप्लाई कराया 125, इनको कराया 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं 125 से 8 को, तो देखें हंड्रेड पॉइंट जीरो आ रहा है, मतलब 100 हो गए एक्चुअल में वैल्यू इसकी, क्या हो गई 100। अब क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस करने पे देख ले कितने हो रहे हैं हमारे पास, 5 305, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता तो कितना आ रहा है हमारे पास, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। किसका सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्यूबॉइड का ज्यादा आ रहा है, बट हमें स्मॉलर पूछ रखे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर, ठीक है ना, उसका स्मॉलर है, एंड कितना स्मॉलर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से, और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्मॉलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहां तक कंप्लीट करें, आगे की जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक बार यहां तक कंप्लीट कर लें, जो भी कोई इश्यू हो डाउट क्लास में, वो मतलब जो भी आपके चल रही है, एंड टू एंड कंप्लीट करते जाएं, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं है, आज की क्लास हमारी यहीं हो जाती है।